गुड मॉर्निंग, वेलकम टू श्री साई माँ विद्यालय सिटी। आज हम चर्चा करेंगे जूलॉजी बीएससी पेपर फर्स्ट जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, जेनेटिक्स में चैप्टर सेकंड ग्रिफिथ इफेक्ट के बारे में आज हम देखेंगे क्या होता है ग्रिफिथ इफेक्ट। ठीक है, ग्रिफिथ इफेक्ट में वैज्ञानिक कौन सी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है और कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, लास्ट में इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, ये चीज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए को मास्टर मॉलिक्यूल के नाम बताया, मास्टर मॉलिक्यूल बताया। ग्रिफिथ ने सबसे पहले क्या बताया कि डीएनए क्या होता है, मास्टर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, यह जिसके द्वारा पेरेंट्स के कैरेक्टर उनके डॉटर में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स में तो माता पिता के लक्षण बच्चों में कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, यह पार्टिकुलर जीन के कारण ऐसा हमें दिखाई देता है, पार्टिकुलर जीन के कारण ही हमें माता पिता के कैरेक्टर बच्चों में दिखाई देता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो जैसे बालों का बनना नाक का बनना आदि। एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया। तो डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के टू स्ट्रैंड लिए होंगे, कितने स्ट्रैंड लिए, टू स्ट्रैंड लिए। पहला स्ट्रैंड क्या होगा, यस थर्ड होगा। ठीक है, और दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, आर सेकेंड स्ट्रैंड एंड यस थर्ड स्ट्रैंड। यस थर्ड स्ट्रैंड क्या होगा, कैप्सुलेटेड होगा, मतलब यस थर्ड में क्या होगा, आवरण पाया जाएगा। यस थर्ड स्ट्रैंड में क्या होगा, आवरण पाया जाएगा, तो क्या होगा, कैप्सुलेटेड होगा। ये हो गया बैक्टीरिया, इसके अंदर एक कवर है। ठीक है, जो क्या हो गया, कैप्सुलेटेड। आर सेकेंड क्या हो गया, नॉन कैप्सुलेटेड, इसमें किसी प्रकार के आवरण नहीं पाया जाता। आर सेकेंड क्या हो गया, नॉन कैप्सुलेटेड हो गया, एवं यस थर्ड क्या हो गया, कैप्सुलेटेड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखेंगे एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी के उपयोग किया। ठीक है, ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में
डिप्लोकोकस मोनी नामक बैक्टीरिया का यस थर्ड स्टैंड का उपयोग किया, ठीक है ना, यस थर्ड स्टैंड का उपयोग किया, ठीक है। इसके ऊपर किया है रेड, मतलब चूहे के ऊपर, पहले एक्सपेरिमेंट में डिप्लोकोकस नामक बैक्टीरिया के स्टैंड या स्थर्ड को ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने चूहे पे क्या किया, इंजेक्ट कराया या इंजेक्शन के माध्यम से लगाया। तो उन्होंने देखा कि चूहे की क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। कैसे चूहा है ये, डेथ स्टेज पे है, यहाँ पे क्या था, लिविंग पे था, ठीक है। एक स्वस्थ चूहे पे इंजेक्ट कराया इंजेक्शन के माध्यम से, उन्होंने पाया कि चूहे की डेथ हो गया है, ठीक है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड को ट्राई किया, ठीक है। सेम है डिप्लोकोकस निमोनी के, यहाँ पे यस थर्ड को लिया गया है, यहाँ पे आर सेकंड को लिया जाएगा, आर सेकंड की घोल को लिया जाता है, यहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है, उसे आर सेकंड का इंजेक्शन लगाया जाता है और चूहा क्या होता है, लिविंग स्टेज पे होता है, मतलब आठ सेकंड को सेकंड एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने एक लिविंग चूहे पे इंजेक्शन के माध्यम से डिप्लोकोकस निमोनी आठ सेकंड को चूहे में इंजेक्ट कराया, तो उन्होंने क्या देखा कि चूहे की डेथ नहीं होती है, चूहा ये क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे एक्सपेरिमेंट थर्ड में क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, फर्स्ट में तो चूहे की डेथ हो जाती है और सेकंड में चूहा क्या होता है, लिविंग स्टेट में रहता है। अब अपन देखेंगे एक्सपेरिमेंट थर्ड में क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, देखते हैं कि डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के स्टैंड थर्ड को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के हीट किया जाता है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के हीट किया जाता है और हीट करने के बाद चूहे में इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट कराया जाता है, तो क्या होता है, चूहा एक लिविंग स्टेज पे होता है। लिविंग स्टेज पे क्यों होता है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि हीट कर दिया गया है, हीट करने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद ऑलरेडी बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, इस वजह से क्या होगा, चूहा एक लिविंग स्टेज पे होगा, ठीक है। देखते हैं ये हो गया, जाल हो गया,
यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है? यस थर्ड स्टेन है। हीट कराया गया है, हीट कराने के बाद एक स्वस्थ कीड़े में इंजर्ड कराया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक है। इंजेक्ट कराने के बाद देखा गया कि चूहा ये लिविंग प्लेटफॉर्म में या लिविंग स्टेज में पाया जाता है, लिविंग स्टेज में पाया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे अपन एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में क्या होता है कि स्टैंड थर्ड को जब अपन हीट करा दिए हैं, टेस्ट ट्यूब में लेकर के हीट करा दिए हैं, उसी टेस्ट ट्यूब को हीट किया हुआ स्टैंड आर सॉरी यस थर्ड को अपन इसमें लेते हैं एक्सपेरिमेंट 4 के लिए। टेस्ट ट्यूब तथा आर सेकेंड, ठीक है। दोनों को क्या करते हैं? जोड़ के, मतलब दोनों का घोल इकट्ठा करके, दोनों का ये घोल बना करके अपन एक स्वस्थ चूहे में इंजेक्ट कराते हैं की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि टेस्ट ट्यूब में लिया गया स्टैंड, जिस स्टैंड को हम हीट किए या थर्ड स्टैंड को, अगर हम नॉर्मल कंडीशन में करें या अगर ठंडा करके उपयोग करें, टेस्ट ट्यूब में लिया गया या थर्ड को हम ठंडा करके उपयोग करते हैं तथा साथ में आर सेकेंड को लेकर उपयोग करते हैं, तो ठंडा होने के बाद थर्ड में पाया जाने वाला बैक्टीरिया क्या होता है? एक्टिव पॉइंट में आ जाता है, एक्टिव स्टेट में हो जाता है। इसके कारण से हम स्वस्थ चूहे पे इंजेक्ट कराते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट कराते हैं, तो क्या होता है?